हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग में जो एक स्पेसिफिक टर्म होती है जर्नल, उसका क्या मीनिंग होता है, साथ ही साथ जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं, जर्नल एंट्री का क्या मतलब होता है, और इसके साथ ही साथ हम समझेंगे कि जर्नल रखने के अकाउंटिंग में क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को, और साथ ही दबाएं बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नल का मीनिंग समझने से पहले आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग की जनरली जब हम बात करें, तो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखने से रिलेटेड होता है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यह होता है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जाता है, यानी जिसकी वैल्यू को हम मनी में फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो चाहे कितनी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अकाउंटिंग में उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो जब हम ऐसे लेन देनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो मॉनेटरी आइटम्स में हैं, तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो ये होता है कि उन ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांजेक्शन्स हुई है या नहीं। तो अकाउंटिंग में या बिजनेस में जब कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, तो उससे रिलेटेड जो प्रूफ होता है उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि जब कभी आप मार्केट में जाते हो कोई भी सामान परचेस करने के लिए, तो जब भी आप कैश पेमेंट देते हो तो बदले में आपको कोई रिसीट मिलती है, तो ये रिसीट हो गई, तो ये आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। तो सिमिलरली बिजनेस में इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में मैंने यहाँ समझाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में परचेज बिल, इनवॉइस ऑफ सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आते हैं। अब जब सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो है अकाउंटिंग वाउचर्स को प्रिपेयर करना। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर ही सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक बार कलेक्ट कर लिए, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट को सामने रख कर उनके बेसिस पर एक कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। तो कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स सेम होते हैं, ये सेम नहीं होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अ ट्रांजेक्शन, यानी जब कभी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही क्या बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। अब जब अकाउंटिंग वाउचर्स बन गए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इन ट्रांजेक्शन्स को लिखना, यानी जनरली किसी एक बुक में जब जब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको उसी समय के अकॉर्डिंग लिखना। तो जो लास्ट, जो फोर्थ स्टेप है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं वो दो तरह की होती हैं, पहली कहलाती है जर्नल और दूसरी कहलाती है लेजर। अब जो जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, और लेजर को हम प्रिंसिपल बुक या फिर बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि तो जर्नल है, तो जर्नल में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं, यानी जो सबसे पहली बुक है जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है वो जर्नल ही है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। और जब एक बार हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लेजर में एंट्री करते हैं, और जब लेजर में एंट्री करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो होता है लेजर पोस्टिंग। और जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जर्नलाइजिंग, आगे मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल और लेजर दो बुक्स हैं जिसमें हम एंट्रीज को लिखते हैं। जो पहली फर्स्ट बुक होती है जर्नल, उसमें सबसे पहले ही एंट्री की जाती है, और उसके बाद एंट्री के बेस पर लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो इसीलिए जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री वाली बुक भी कहते हैं, और लेजर को प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं। अब लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये
क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं लेजर से, यानी लेजर में एंट्री करने का मतलब है हम सीधे सीधे अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स बनाने के बाद ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही तो हम क्या बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हमें फर्म के प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए लेजर अकाउंट प्रिंसिपल बुक है या फिर बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, क्योंकि इसके बाद कहीं एंट्री होती नहीं है, इसके बाद सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट और या फिर लॉस पता चलता है किसी भी बिजनेस फर्म का। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। अब हम जर्नल की थोड़ी सी स्पेसिफिक डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि जर्नल एक्चुअल में होता क्या है। तो जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जब कोई एंट्री सबसे पहले होगी उसको उसी वे में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर कोई एंट्री 5 बजे हुई है और कोई एंट्री हुई है 6 बजे, तो 5 बजे वाली एंट्री को सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद हम 6 बजे वाली एंट्री को लिखेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल में एक बुक है जिसका नाम है जर्नल, उसमें बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको लिखते हैं उस बुक में। अब जर्नल भी ना बिजनेस में कई तरह के होते हैं और डिपेंड करता है कि बिजनेस के साइज़ के ऊपर। अगर बिजनेस छोटा है तो वो रखेगा सिंपल जर्नल, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन्स कम होंगी तो एक ही किताब रखे काम चल जाएगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, कोई MNC है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या आपको लगता है कि एक बुक में वो सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी जाएंगी आराम से? आप खुद ही सोचिए, अगर एक ही दिन में हजारों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो एक ही दिन में वो जर्नल पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए अगर फर्म बड़ी होती है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कई सारी जर्नल रखती है और एक तरह की एंट्रीज़ को एक तरह के जर्नल में रिकॉर्ड करती है। तो इसीलिए या तो फर्म एक ही जर्नल रख सकती है जिसमें वो सारी की सारी एंट्रीज़ करेगी, या फिर जर्नल अलग अलग बुक्स को रख सकती है। जैसे कि जब आप छोटे होते हो ना तो 3-in-1 कॉपी रखते हो, इंग्लिश का भी काम उसी में करोगे, हिंदी का भी काम उसी में करोगे और मैथ्स का भी काम उसी में करोगे। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हो तो आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक रखते हो। तो सिमिलरली छोटा बिजनेस है तो वो एक ही बुक रखेगा जिसको हम बोलेंगे सिंपल जर्नल, और अगर वो बड़ा बिजनेस हो गया है तो उसकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसीलिए वो जर्नल को डिवाइड कर देगा। और जब हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम सेपरेट जर्नल बोलते हैं, या फिर स्पेशल जर्नल बोलते हैं, या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं, या फिर सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं। अब इसमें जैसे 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 कि अगर फर्म कोई परचेज कर रही है, उधार माल खरीद रही है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो उसके लिए एक जर्नल बनाएगी, उस जर्नल का नाम रख देगी परचेज बुक। और अगर माल को सेल करेगी, उधार बेचेगी माल को, तो माल को बेचने से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ के लिए वो एक अलग से जर्नल बना देगी जिसका नाम रख देगी वो सेल्स बुक। सिमिलरली जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी तो कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए एक और अलग से जर्नल बनाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैश बुक। तो आगे आने वाली वीडियोस में आप इससे रिलेटेड भी वीडियोस देखोगे, फिलहाल के लिए भी यही है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि जर्नल दो तरह के होते हैं, वन ऑफ इज सिंपल जर्नल एंड द सेकंड इज सेपरेट जर्नल। सिंपल जर्नल क्या होता है ये बता दिया, सेपरेट जर्नल क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो जब हम सिंपल जर्नल की बात करते हैं तो सिंपल जर्नल में सभी फॉर्म में फॉर्मेट ये होता है, जिसके फर्स्ट कॉलम होता है डेट, यानी जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हुई है वो उस ट्रांजेक्शन की डेट यहाँ लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन लिखी जाती है जो भी लिखी हुई है। अब जो ट्रांजेक्शन लिखते कैसे हैं उसका भी एक अलग से फॉर्मेट है, एक अलग से रूल है, वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद का जो कॉलम है ये थोड़ा सा आपको नैरो दिख रहा होगा, वो इसीलिए है क्योंकि इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LF में, मतलब होता है लेजर फोलियो। अब फोलियो का यहाँ पर मतलब होता है पेज, और लेजर का मतलब आपको बताई है जो सेकंड प्रिंसिपल, जो सेकंड बुक बताई थी जिसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो लेजर मैंने आपको बताया था कि जर्नल में जब भी हम एंट्री करेंगे उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो लेजर के जिस पेज पर उस एंट्री की पोस्टिंग की गई है उस पेज का नंबर उस एंट्री के सामने आ जाएगा। समझ में आ गया, लेजर फोलियो। सिमिलरली जब आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो लेजर फोलियो में एक आपको इस तरह का कॉलम और दिखेगा जिसका नाम होगा जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो में वहाँ उसके आगे लिखा जाता है इस जर्नल का पेज नंबर। जब जर्नल से रिलेटेड सॉरी
जब लेजर से रिलेटेड आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप क्लियरली समझ पाओगे कि लेजर क्या है और क्या उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉलम है जर्नल का वो है अमाउंट, और अमाउंट के दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है डेबिट कॉलम और एक होता है क्रेडिट कॉलम। आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो फैक्ट होते हैं, वन इज़ डेबिट एंड वन इज़ क्रेडिट, यानी एक ही ट्रांजेक्शन का सेम अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और सेम अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक पर्सन दे रहा है तो दूसरा पर्सन लेगा। अब हम कुछ बात करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स की जो रिलेटेड होती है जर्नल से, जैसे कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो जर्नल एंट्री होती है कि जब हम एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं तो जिस ट्रांजेक्शन को हमने लिखा है वो कहलाती है जर्नल एंट्री। जैसे कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जनरली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ओनर लेके आता है, तो ओनर जो भी पैसा लेके आता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा थ्रू द ओनर और जो कैपिटल लेके आएगा कैश के रूप में, तो एक ट्रांजेक्शन होगी और उस ट्रांजेक्शन को हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने रूल्स को समझाए हैं। आई हाईली रिकमेंड यू दैट आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको ये डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ में आ जाएं, जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाएगा और आप इजीली जर्नल एंट्रीज या फिर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है कैश से रिलेटेड तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या नीचे नरेशन लिख दी जाती है, नरेशन मतलब डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये जो हमने लिखा है इस एंट्री को, ये एंट्री क्या कहलाएगी, जर्नल एंट्री कहलाएगी। यानी जब कभी भी हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जर्नल में तो वो ट्रांजेक्शन को लिखना ही क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री कहलाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा वर्क है वो क्या कहलाता है, जर्नलाइजिंग कहलाता है। तो ये है जर्नल एंट्री, और जब आप इस जर्नल एंट्री को कर रहे होते हो तो दिस इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी जब आप कहो कि मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ तो आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे आई एम जर्नलाइजिंग। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि जर्नलाइजिंग इज़ ए वर्ब, यानी एक प्रोसेस है, एक काम है जब आप जो आप करते हो जर्नल एंट्रीज जब आप करते हो तो उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और जो आपने लिख दिया है, जो एंट्री आपने कर दिया इसको आप जर्नल एंट्री बोलोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री और जर्नलाइजिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि जर्नल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जर्नल के जो एडवांटेजेस हैं उसमें से फर्स्ट एडवांटेज यही है कि इट प्रोवाइड्स डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं उसको सीरियल वाइज प्रोवाइड करता है जर्नल। इसके अलावा कहीं भी आपको जर्नल ट्रांजेक्शन इस तरह से नहीं दिखाई देंगी अकाउंटिंग में, चाहे आप ब्लेजर उठा लें, चाहे आप ट्रायल बैलेंस उठा लें, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लें। अगर सीरियल वाइज आपको एंट्री देखनी है और साथ में साथ उसकी डिटेल्स देखनी है कि क्या क्या एंट्रीज हुई है, तो जर्नल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ए फर्म और फॉर ए कंपनी। नेक्स्ट एडवांटेजेस है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में ट्रांजेक्शन की डिटेल भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर एंट्री तो है, यानी ट्रांजेक्शन तो है, साथ ही साथ कि यह ट्रांजेक्शन कब हुई, कहाँ हुई और डेट वगैरह सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नल से पता चल जाएगी। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ये जो लेजर जो बुक है जो विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो लेजर बुक में एंट्री करने के लिए यानी उसमें पोस्टिंग करने के लिए जर्नल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेजर पोस्टिंग से मतलब अकाउंट्स बनाना, तो अगर सीधे सीधे अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, और जब गलतियां होंगी तो प्रॉफिट या फिर लॉस इजीली अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए लेजर पोस्टिंग बहुत आसान होती है जर्नल रखने से। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। अब एरर रिड्यूस कैसे करता है जर्नल, वो ऐसे करता है कि जब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो सेम अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है और सेम अमाउंट क्रेडिट में। तो जब ये जो जर्नल प्रिपेयर करेंगे तो इसका जो डेबिट कॉलम का अमाउंट है और जो क्रेडिट कॉलम का अमाउंट है उन दोनों का टोटल सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो ज़रूर हुई है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाता है कि कोई गलती है या नहीं है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस तो बनता ही है,
गलती को फाइंड आउट करने के लिए। तो लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बहुत आगे वाले स्टेज पे बनता है, तो फर्स्ट स्टेज पे ही हमें पता चल जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है कोई अमाउंट लिखने से। तो इसीलिए जर्नल क्या हेल्प करता है, एरर को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ एरर को रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस है कि इट इज़ अनसुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी अगर हम एक सिंपल जर्नल रखते हैं तो वो उस फर्म के लिए सूटेबल नहीं होगा जिस फर्म में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। वो इसीलिए अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, एक ही दिन में हज़ारों हज़ारों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो जो जर्नल बुक है वो तो कुछ ही घंटों में भर जाएगी, तो ढेर लग जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो सिंपल जर्नल प्रॉपर नहीं होता है। तो इट इज़ बेटर कि क्या रखा जाए, जर्नल को डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग जो जर्नल बुक्स होती हैं जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, इन सबको रखा जाए। तो लिमिटेशन इसकी ये है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड। अब जो जर्नल है उसमें कैश बैलेंस का पता नहीं चलता है कि फर्म के पास कितना बैलेंस है और कितना बैलेंस नहीं है। वो पता कब चलेगा, वो पता चलेगा अकाउंट से। एक्चुअली जर्नल से किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में पता ही नहीं चलता है। जर्नल से तो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स पता चलते हैं सीरियल वाइज और उसकी डिटेल पता चलती है। किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कितना कैश है, कितना बैंक है, कितने खर्चे हो गए, सैलरी कितनी पे कर दी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उससे रिलेटेड अकाउंट से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि अगर आपको जानना है कि फर्म में कैश कितना है तो आपको कैश अकाउंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जिसका लास्ट बैलेंस से आप पता कर सकोगे कि फर्म में इतना बैलेंस है। तो इसीलिए जर्नल से कैश बैलेंस पता नहीं चलता, साथ ही साथ इसके अलावा किसी भी और पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल नहीं पता चलती है। उसके बाद है नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू लेजर। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लेज़र बना लें, जर्नल को ना बनाए तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको लेज़र अगर मेंटेन करना है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो आपको जो क्या है जर्नल भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म।